से कुछ वक्त पैदल चलेंगे और उसके साथ उसके बाद फिर एम्बुलेंस और ये परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी उनके साथ हैं और कह सकते हैं कि पीएम कुछ कदम यहाँ पर अपनी माँ का जो पार्थिव शरीर है वो कंधे पर उठाकर यहाँ पर ले जाते हुए देखे जा रहे हैं। एक बड़ी क्षति निजी क्षति के तौर पर पीएम मोदी को और ये देखे जा सकते हैं पीएम मोदी के लिए। और पीएम ने हमेशा अपनी बात माँ की बात आई तो हमेशा उस चीज़ों को रखा पब्लिक डोमेन में भी। जब पीएम हमेशा ये इस बात को देखे रहे और देखिए ये जो एम्बुलेंस पार्थिव शरीर जो जिसमें रखा जाना है वो तस्वीरें भी आप देखिए जहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जा रहा है। और उसके बाद पीएम कंधों पर उठाते हुए पार्थिव शरीर को माँ का पार्थिव शरीर और उनके भाई भी हैं यहाँ पर, पंकज मोदी भी हैं, सोमा भाई भी हैं और भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं यहाँ पर देखिए आप। और वो पीएम यहाँ पर उस तस्वीर को, मुख्यमंत्री भी हैं यहाँ पर और शरीर पार्थिव शरीर को यहाँ पर ये शववाहिनी है उसमें यहाँ से ले जाया जाएगा। और उसके बाद जो मैंने कहा सेक्टर 30 जहाँ पर उनका शमशान गृह है वहाँ पर यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर का अंतर है वहाँ पर ले जाया जाएगा। तो ये तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं जहाँ पीएम मोदी अपने माँ के पार्थिव शरीर के साथ यहाँ पर देखी जा रही हैं। उनके भाई दोनों वो भी हैं यहाँ पर, सोमा भाई।